इस अगर आप लोग भी फंडिंग को स्पोर्ट वॉलेट में सेंड करना चाहते हैं या स्पोर्ट वॉलेट से फंडिंग में सेंड करना चाहते हैं, आप लोगों ने जब भी ऐसे विड्रा कराने होते हैं तब आप लोगों ने फंडिंग में आनी चाहिए, और जब भी आप लोगों ने क्रिप्टो बाय करनी होती है तब आप लोगों के पास अकाउंट में स्पोर्ट वॉलेट में होनी चाहिए। तो ये स्टेप किस तरह होते हैं, इसको किस तरह करते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने आ जाना है फंडिंग वॉलेट में। ठीक है, आप लोगों ने फंडिंग से सेंड करना है स्पोर्ट में, तो आप लोगों ने फंडिंग में आ जाना है। अगर आप लोगों ने जस्ट ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप लोग स्पोर्ट से सेंड कर रहे हो फंडिंग में, तो आप लोगों ने इस तरह ही ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर देख लेना है फंडिंग, और नीचे हमारा जो लिखा होना चाहिए वो स्पोर्ट वॉलेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो करेंसी है, ठीक है, आप लोग यूएसडीटी कर रहे हैं तो यूएसडीटी होना, आप लोग बीएनबी कर रहे हैं तो बीएनबी आप लोगों ने कर लेना है मैक्स। ठीक है, मैं सारे सेंड कर रहा हूँ अपने स्पोर्ट वॉलेट में फंडिंग से। ठीक है, आप लोगों ने अगर फंडिंग से करना है स्पोर्ट में, तो जब भी ये प्रोसेस है स्पोर्ट से फंडिंग में, तो सब में ये प्रोसेस है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर स्पोर्ट वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप लोग स्पोर्ट में सेंड करो फंडिंग में सेंड करो तो फंडिंग। ठीक है, और आप लोगों ने जब भी विड्रा करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको अपने स्पोर्ट वॉलेट में सेंड करना है, उसके बाद आप लोगों ने कन्फर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 16.9889 जितने भी है मेरे डॉलर, वो हमारे पड़े में कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यो ओके। हमारी अभी ट्रांजेक्शन आप लोग देख सकते हैं फंडिंग में। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, लोगों ने भी रिफ्रेश कर लेना है, और उसके बाद स्पोर्ट में हमारी जो फंडिंग है वो आ चुकी है। सो क्रिप्टो का फुल कोर्स है, जिसमें आप लोगों को क्रिप्टो बाय किस तरह करनी है, क्रिप्टो सेल किस तरह करनी है, एंड प्रॉफिट किस तरह करना है, उसके बाद ऑटो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में क्या होती है, आप लोग किस तरह कर सकते हैं, आप लोगों ने जस्ट अगर ये सब कुछ जानना है, तो आप लोगों को उस तमाम वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाकर आप लोग बिनांस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन सा कोइन बेस्ट है एंड कौन सा कोइन अभी बाय करना चाहिए 2023 में। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को। अगर फिर भी आप लोगों को स्पोर्ट से लेकर फंडिंग में कोई प्रॉब्लम आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम हर आंसर का कमेंट देंगे। और विजिट किया करो तो ये ptwsh.com, ठीक है, हमारी वेबसाइट जहाँ पर आपको हर इन्फॉर्मेशन